गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सबने अपना जो वैकेशन का होमवर्क था आपको मिला था, कंप्यूटर का या और भी सब्जेक्ट्स का, आपने सबने अच्छे से किया होगा और आप घर में ही सेफ होंगे। सो आज हमने जो हमारा वैकेशन से पहले हमने अपना सेकेंड चैप्टर जो है स्टार्ट किया हुआ था और उसके बाद हमारी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारा एक टॉपिक है इसके अंदर सेकेंड चैप्टर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमें इस चैप्टर में बताना था, जिसमें आपने स्टोरेज डिवाइस पढ़ा था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा था, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं वो पढ़ा था। सो अब यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। जैसे कि आपने अपने स्मार्टफोन्स में, मोबाइल फ़ोन्स में भी देखा होगा, ऐप होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं। इसी टाइप में कंप्यूटर में भी एप्लीकेशन होती हैं। दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू सॉल्व अवर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो जो ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है, जैसे कि यहाँ आपको दिए हुए हैं एम एस पेंट और जो आपका टेक्स्ट पेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, एप्लीकेशंस दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल एमएस पेंट एंड टेक्स्ट पेंट कैन बी यूज फॉर ड्राइंग एंड कलरिंग। तो इन एप्लीकेशन से हम उनका जिस पर्पज से उनको बनाया गया है उन्हीं कामों को हम उन एप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। तो उसके बाद अब ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर अब इसके बाद आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर आपको अपने करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है आपके ब्रेन जिम में बुक में, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ से आपको करेक्ट ऑप्शन आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन है तो इनके आंसर मैं आपको बताऊँगी, आपको अपनी बुक में फिल करने के आंसर ये इसका करेक्ट है। सो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है डैश रेफर्स टू द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन नॉट बी टच्ड और सी। तो यहाँ पे कौन से कंपोनेंट में उसको, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड बोथ। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बट हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं तो छू भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो दैट इज सॉफ्टवेयर। करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर एंड देन सेकेंड इज विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, जो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं इनमें से सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है CPU, उसके बाद कीबोर्ड एंड उसके बाद Windows 7। तो CPU जो होता है उसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे क्या होता है, सॉफ्टवेयर नहीं होता। उसके बाद कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी हमारे पास ही होता है जिससे हम इनपुट एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिससे हम टाइपिंग करते हैं, वो हमारा कीबोर्ड है। तो विंडो 7 जो है वो हमारी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज Windows 7। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज वन ऑफ द स्टोरेज डिवाइस। इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए हुए इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। सो फर्स्ट ऑफ है हमारा पेन ड्राइव एंड देन हार्ड डिस्क, उसके बाद है बोथ। तो हमारा पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क दोनों में ही जो है हम अपनी जो हमारी डाटा होती है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो थर्ड का ऑप्शन है बोथ, हार्ड डिस्क भी हमारी स्टोरेज डिवाइस है और हमारी जो है पेन ड्राइव भी हमारी स्टोरेज डिवाइस है। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है विच अमंग दीज हार्डवेयर्स इज फाउंड इनसाइड द CPU बॉक्स। इनमें से कौन सा CPU बॉक्स के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है CD, उसके बाद पेन ड्राइव या उसके बाद हार्ड डिस्क। जो CD होती है, CD को क्या होता है, हमने देखा है जो राउंड से होती है जिसको हम CD बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, उसको हम क्या होता है बाद में लगाते हैं। पेन ड्राइव भी हमारे आपने देखी है इस टाइप में होती है, छोटी सी, जिसे हम बाद में लगाते हैं। लेकिन हार्ड डिस्क जो होती है उसको हम CPU के अंदर लगाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ फोर्थ इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड देन फिफ्थ द डिवाइस विच गिव्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो डिवाइस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है और उसे क्या बोलते हैं हम, इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर को अपनी इंस्ट्रक्शन जो हमें बताना होता है वो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो ये हमारा जो ए सेक्शन था उसका हमारा कंप्लीट हो गया है ऑप्शंस वाले।
सो अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बी, आंसर द फॉलोइंग यस ट्रू एंड फॉल्स। अब आप अपनी बुक निकाल के उनमें ट्रू एंड फॉल्स आपको फिल करना है। तो जब सबसे पहले आपको फर्स्ट में यहाँ दिया हुआ है, आपको जो ये आपको दिया हुआ है, स्पीकर इज एन इनपुट डिवाइस, जो स्पीकर होता है फर्स्ट में हमें दिया हुआ है स्पीकर। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बी का फर्स्ट, स्पीकर इज एन इनपुट डिवाइस, जो स्पीकर होता है वो इनपुट डिवाइस है नहीं, स्पीकर से हम सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, हमें म्यूजिक सुनाई देता है, तो वो क्या है, हमें आउटपुट दे रहा है, तो यानी वो क्या है, आउटपुट डिवाइस, वो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है हमारी फॉल्स, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में फिल करना है फॉल्स। एंड देन सेकेंड इज माउस गिव्स इंस्ट्रक्शंस यूजिंग पॉइंट एंड क्लिक मेथड, जो माउस होता है वो हमारा क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को, और वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसको हम पॉइंट, जैसे ये एरो दिखाई दे रही है, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस है, और क्या होता है, क्लिक मेथड से हम उसको चलाते हैं। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। एंड देन थर्ड इज सीडी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर डिस्क, जो सीडी होती है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर डिस्क, दैट इज रॉन्ग, जो सीडी होती है उसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। एंड फोर्थ इज वी कैन सी और टच द हार्डवेयर डिवाइसेस, जो हमारे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं हम उनको देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रू। एंड फोर्थ में आपको फिल करना है ट्रू। उसके बाद फिफ्थ इज स्कैनर इज वन ऑफ द आउटपुट डिवाइस, जो स्कैनर है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है, जो स्कैनर होता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं होता, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है, तो इसलिए हम जो फिफ्थ में हम फिल करेंगे फॉल्स। एंड अब ये हमारे बी सेक्शन के जो थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। दोबारा आपको बता देती हूँ, जो फर्स्ट है उसमें आपको फिल करना है फॉल्स, जो स्पीकर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस नहीं होता, तो फर्स्ट में है फॉल्स। उसके बाद है माउस गिव्स इंस्ट्रक्शन यूजिंग पॉइंटिंग एंड क्लिक मेथड, जो माउस होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है क्लिक के मेथड से और पॉइंटिंग डिवाइस के मेथड से, तो ये है ट्रू। उसके बाद है सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, जो थर्ड है, जो थर्ड का स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि सीडी हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। एंड देन फोर्थ वी कैन सी और टच द हार्डवेयर डिवाइसेस, फोर्थ में है ट्रू सॉरी, क्योंकि हार्डवेयर डिवाइस को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। स्कैनर इज फिफ्थ है, स्कैनर इज वन ऑफ द आउटपुट डिवाइस, स्कैनर जो होता है आउटपुट डिवाइस नहीं होता, वो इनपुट डिवाइस होता है। तो अब उसके बाद हमारा क्या आ जाता है सी, अब आगे आपका जो सी सेक्शन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको फिल करने हैं, मैं आपको बताती जाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स में, फर्स्ट है आपका डिवाइसेस कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स आर नोन एज डैश डिवाइस, जो फर्स्ट में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक्स में आपको देखना है सबको। डिवाइसेस कैन कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स आर नोन एज, जो हमारे डिवाइस सीपीयू से कनेक्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको फिल करना है पेरिफेरल डिवाइस, PERIPHERAL, पेरिफेरल डिवाइस, जो यहाँ पे फर्स्ट है आपका, उसमें आपको जो ये पेरिफेरल आपका दिया हुआ है, ये आपका वन का जो ये है पेरिफेरल, यहाँ पे आपको ये आपका फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है। तो उसके बाद हमारा क्या आता है, डैश इज ए रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, जो हमारा सेकंड में दिया हुआ है, जो कौन सा है इनमें से जो रिमूवेबल जो है हमारा रिमूवेबल डिवाइस है, तो वो है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो सीडी होती है हमारी उसको हम एक कंप्यूटर से हटा के दूसरे कंप्यूटर में लगा सकते हैं। तो उसके बाद थर्ड है माउस गिव्स इंस्ट्रक्शंस यूजिंग डैश एंड डैश, तो यहाँ ये बोल रहा है जो माउस है वो हमारा ऐसा डिवाइस है जो कि कौन से मेथड से जो है इंस्ट्रक्शंस देता है, तो वो है पॉइंट, इसका फर्स्ट में आपको यहाँ पे आपको फिल कर रहे हैं, जो पहली डैश है वहाँ पे पॉइंट एंड क्लिक, POINT पॉइंट एंड CLICK क्लिक, थर्ड में आपको करना है पॉइंट एंड क्लिक। एंड फोर्थ में प्लॉटर इज एंड डैश डिवाइस, जो प्लॉटर है हमारा वो कौन सा डिवाइस होता है, इनपुट या आउटपुट, जो प्लॉटर होता है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। और उसके बाद है कीबोर्ड इज एंड डैश डिवाइस विच गिव्स टेक्स्ट बेस्ड डाटा इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कीबोर्ड एक डैश ऐसा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को टेक्स्ट की डाटा, हमें कंप्यूटर को टेक्स्ट की इंस्ट्रक्शन देता है, तो वो क्या है, कीबोर्ड एक हमारी इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे फिफ्थ में आपको फिल करना है इनपुट। तो अब इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं
क्वेश्चन आपको हम कल कराए जाएंगे। तो जो आज आपका इतना वर्क कराया गया है आपको नोटबुक में नोट करना है, और आपको अपना जो फर्स्ट एंड सेकंड जो चैप्टर है वो अगेन आपको कंप्लीट रीड करने हैं और इसको आपको लर्न करना है। तो यही आज का आपका होमवर्क है, और जो इसका क्वेश्चन आंसर है उसको हम कल करेंगे और सेकेंड चैप्टर भी हम कल ही रीडिंग करेंगे।